स्टार्ट। दोस्तों निपा वायरस के संक्रमण से कुछ ऐसे सिम्टम्स शरीर में आते हैं, देखने को मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि ये निपा वायरस का संक्रमण है। उसमें से एक चीज है, आपको बुखार आना होगा, आपको बुखार आएगा, आपको हेडेक हो सकता है, आप कोमा में जा सकते हैं, नर्वस सिस्टम की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर आपको ब्रीथलेसनेस यानी आप सांस ना ले पाए ऐसी कोई समस्याएं हो सकती है। तो ये जितने भी सारे सिम्टम्स कहे गए हैं वो निपा वायरस के संक्रमण होने से होते हैं, पर एक बात ये खास ध्यान में रखे कि ये सारे संक्रमण ये सारे सिम्टम्स निपा वायरस के संक्रमण से ही नहीं होते, इसके अलावा भी सैकड़ों ऐसी बीमारियां हैं जिसमें ऐसे ही सिम्टम्स देखे जाते हैं। तो अगर ऐसे सिम्टम्स आपके शरीर में पाए जाए तो डर ना जाए, और डर के ये मत सोच लीजिए कि मुझे निपा वायरस का संक्रमण तो नहीं हो गया ना, नहीं, ये सिर्फ कोई और चीज हो सकती है। हो सकता है आपको डायरिया हुआ हो और ये सारी समस्याएं हो सकता है आपके शरीर में पित्त बढ़ रहा हो और गर्मी की सीजन है तो आपको ब्रीथलेसनेस हो सकती है, तो ये निपा वायरस का संक्रमण नहीं हो सकता। आसपास के अच्छे हॉस्पिटल में जाकर अपना रिपोर्ट करवाइए, ट्रीटमेंट लीजिए। पर अगर आप डर गए तो डर के मारे आपकी इम्यूनिटी वैसे भी कम हो जाएगी, क्योंकि आदमी डरता है तो इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो याद रखिए, अच्छी भावना में रहिए, सारे सिम्टम्स कोई निपा वायरस के नहीं होते हैं, क्योंकि निपा वायरस आ जाए उससे पहले भी फीवर और हेडेक और वॉमिटिंग और ब्रीथलेसनेस और कोमा में और नर्वस सिस्टम की समस्या पहले भी होती थी जब ये निपा वायरस नहीं था। तो बिल्कुल चिंता मत करिए, कुछ प्रिवेंटिव चीजें हैं जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए जिससे निपा वायरस जैसी और कोई समस्याएं हो या निपा वायरस हो उससे हम बच सकते हैं। प्रिवेंटिव इसलिए इसे कहा जा सकता है क्योंकि अगर मैं अपने शरीर की इम्यूनिटी को इतना बढ़ाऊं, इतनी अच्छी रखूं मेरी रोग प्रतिकारक शक्ति को जो किसी भी प्रकार के रोग वायरस विषाणु कीटाणु बैक्टीरिया से लड़ सके, तो इसके 2-3 बड़े अच्छे उपाय है जिससे आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं, आपके बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं, परिवार के बाकी के लोगों की इम्यूनिटी जो है उसे बढ़ा सकते हैं और काफी सारी बीमारियों से बच सकते हैं। दोस्तों जो पहली चीज है जो आपके घर में है, आप जो हर कोई यूज करता था, आप थोड़े समय में वो कम हुई है, उसका नाम है गिलोई। गिलोई इम्यूनिटी बढ़ाने वाली सबसे अच्छी चीजों में से एक है। अगर मुझे सिर्फ 3 जड़ी बूटियों का नाम लेना पड़े और मुझे कहा जाए कि सिर्फ 3 जड़ी बूटियां आपको दी जाएगी आपके परिवार को सुरक्षित रखने के लिए या फिर खुद को सुरक्षित रखने के लिए, तो 3 जड़ी बूटियों का नाम जो मैं बोलूंगा उसमें पहला बोलूंगा गिलोई, क्योंकि गिलोई बहुत सारे रोगों में काम करती है, क्योंकि गिलोई हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। ऐसी एक और चीज है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है पारिजात। इसे कल्पवृक्ष भी कहा जाता है और इसके बारे में काफी वीडियोस हमारे आगे के वीडियोस में पहले बनाए थे, उस वीडियोस में इसकी डिटेल्स है। पर पारिजात भी एक अच्छी एंटीवायरल चीज है, गिलोय एक अच्छी एंटीवायरल चीज है, हल्दी एक अच्छी एंटीवायरल चीज है। इन चीजों का इस्तेमाल करने से आप ठीक हो सकते हैं, पर आप इस बातों को भरोसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे देश में 10 रुपए की पुस्तक मिलती है, दादी माँ का खजाना, हर रोग के 10 नुस्खे लिखे होते, एक भी काम नहीं करता। और वैसे भी शायद किसी को पता चल गया था ये काम नहीं करेंगे, इसी चक्कर में उसे 10 रुपए की बेच रहे हैं। अगर उनमें से कुछ काम करता हो, पता होता तो 5,000 रुपए की बेचेंगे। कई सारे कैसे कैसे तेल बेच दिए गए हैं करोड़ों रुपए के जो कुछ काम नहीं करते। तो दोस्तों बात यह है कि अगर थोड़ी सी ही हल्दी बची होती, अगर 4 किलो हल्दी पूरी दुनिया में पड़ी होती सिर्फ, तो फिर ये हल्दी करोड़ों में बिकती। वैसे ही गिलोय हमारे घर पर है इसलिए गिलोय की हमारे पास वैल्यू नहीं है। हम यहाँ पे नीम के पेड़ को देखते भी नहीं, और फॉरेन में नीम के जो दातुन है वो $9 और $99 में बेचे जाते हैं। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि घर की चीजें हैं पर इसका मतलब ये नहीं कि ये काम नहीं करती। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ साल पहले जब सूरत शहर में स्वाइन फ्लू के समय स्वाइन फ्लू फैला, तब सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ स्वास्थ्य प्रेमी परिवार ने मिलकर 22 वार्ड में हमने काढ़ा वितरण किया था। करीबन 22 लाख लोगों ने काढ़ा पिया था 38 वार्ड में, और काफी अच्छा परिणाम मिला था। 3 बार हमने ये दिया था लोगों को, और लोगों को ये सिखाया था कि इस काढ़े को घर पे कैसे बनाया जाए, और ऐसे कई सारे लोग हमें मिले हैं जो अभी भी उस काढ़े को चाय की तरह घर पे पी रहे हैं। और उन लोगों का कहना है कि घर में किसी भी प्रकार का फ्लू हो, किसी भी किस्म का बुखार हो, किसी भी प्रकार की कोई समस्या हेल्थ रिलेटेड होती है, हम इस काढ़े को पिला देते हैं और वो लोग ठीक हो जाते हैं। और उस काढ़े की खूबी ये थी कि उसमें जितनी भी सारी चीजें थी वो सारी घरगथ्थू चीजें थी जो आपके किचन से मिलती थी, पर लोगों ने उसके चमत्कार देखे हैं। और इसीलिए हमारे पूर्वजों ने इन अद्भुत 54 स्पाइसेस को हमारे किचन में इकट्ठा किया था।
हम एक 7 दिन का प्रोग्राम भी करते हैं इसके बारे में फ्री ऑफ चार्ज कि लोग ये समझ पाए कि ये मसाले क्या है, पर वो बात हम बाद में करेंगे। पहली बात जो हमने देखी वो यह है कि हमें गिलोय का इस्तेमाल करना चाहिए, हल्दी का इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसी और चीजें हैं जिसका इस्तेमाल करके हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। और एक नाम मैं कैसे भूल सकता हूँ, अगर आपने उस चीज का इस्तेमाल कर लिया तो फिर आप मान लीजिए कि अगर आपने अपने परिवार की पहचान उस चीज से करवा दी, फिर भूल जाओ किसी वायरस की इफेक्ट आपके परिवार पर होगी। और उस चीज का नाम है गौमूत्र। जी, गौमूत्र एक इतनी अद्भुत चीज है कि गौमूत्र अर्घ से और गौमूत्र से बनने वाली हजारों ऐसी चीजें हैं जिससे आपकी इम्यूनिटी को बहुत बेहतर बनाया जा सकता है। इसीलिए गौमूत्र देने वाली गैया को, गौ माता को हम माता कहते हैं। तो गौमूत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं, रोज सुबह शाम 2-2 चम्मच, 3-3 चम्मच आप गौमूत्र अर्घ ले सकते हैं। इसके अलावा उस गौ, अगर आप गौमूत्र लेते हैं तो गौमूत्र के अंदर हल्दी डाल सकते हैं, आप गिलोय डाल सकते हैं, पारिजात के पौधे के पत्ते डाल सकते हैं, उसको थोड़ा गर्म कर लीजिए और फिर उसको छान कर पी लीजिए। बहुत अच्छी इम्यूनिटी बढ़ती है, सिर्फ निपा वायरस के लिए नहीं, परिवार में अगर किसी भी प्रकार की तकलीफें हैं जिसमें इम्यूनिटी की कमी है तो आप इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी को कैंसर है तो आप इसकी इस्तेमाल करिए, किसी को HIV है तो आप इसका इस्तेमाल करिए। इसी के साथ में एक और चीज़ जोड़ के बताना चाहूँगा, अभी मुझे याद आ गई, थोड़े समय पहले, अभी करीबन 2-3 दिन पहले हमने 5 ऐसे व्यसन मुक्त केंद्र खोले हैं जहाँ पे फ्री ऑफ चार्ज आपके व्यसन के लिए आपको मार्गदर्शन किया जाएगा, आपको औषधियाँ दी जाएगी जिससे आप अपने व्यसन से छूट सके, और व्यसन से अगर कोई डिसीज हुआ है तो उससे भी छूट सके। तो गौमूत्र का इस्तेमाल करिए, गाय के पास रहिए, अगर आपके घर बच्चे हैं तो आसपास के किसी गौशाला में जाइए, बच्चों को गाय के साथ खेलने दीजिए। अभी जो नई जनरेशन है, नई बच्चे हैं, वो बच्चे सोचते हैं कि इससे बदबू आती है, ये अच्छा नहीं लगता, इवन बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिए, जो बच्चे घी भी नहीं खाते उसकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं ही हो सकती। तो याद रखिए, बच्चों को घी खिलाइए, गाय का दूध खिलाइए, गौमूत्र का यूज़ करना सिखाइए, गाय के पास रहना सिखाइए। और अगर आपको ये आदत नहीं है, अगर आपके बच्चे हैं पर आपको लगता है कि गाय तो सिर्फ ये सारे दिखावा है, गाय कुछ नहीं करती, गाय के कोई चमत्कार नहीं होते, गौमूत्र का कोई असर नहीं होता, ये सिर्फ बातें होती है, गाय के दूध में कुछ नहीं होता, अगर ऐसा कुछ है तो ऐसी कई सारी संस्थाएं भारत देश में चल रही है जो गायों के लिए कुछ काम कर रही है। उस संस्था में मिले, जुड़े लोगों के साथ उनके एक्सपीरियंस शेयर करें, गाय के साथ खुद टाइम बिताइए। और मैं दावा कर सकता हूँ कि अगर आपने 1 महीना गाय के साथ बिता दिया, हफ्ते हफ्ते में भी जाकर और अकेले में 1-1 घंटे गाय के पास बैठे रहे, तो भी आपको समझ में आएगा कि गाय खास क्यों। किसी और की बात या मेरी बात मानने की जरूरत नहीं है, आप गाय के पास रहना सीखिए, गाय के साथ 1-1 घंटा बिताइए अकेले में, और फिर आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि गाय हमारी माता है। और बच्चों को, परिवार को गौशाला की विजिट जरूर करवाइए। ऐसे वायरस जब फैलेंगे और जब इससे ठीक होंगे लोग, तब लोग समझ पाएंगे कि सबसे अच्छे जो स्वास्थ्य केंद्र है वो सारी गौशाला है जो हमारे आसपास के घर में देखी जाती है। एक समय ईश्वर ना करे पर अगर ऐसा आया कि 2-3 गाय ही बचेगी और कुछ गिनी चुनी गाय बचेगी हमारे पास, और कहा जाएगा कि फिर इस दुनिया का सबसे पैसे वाला आदमी है उसके पास 3 गाय है, और भारत देश के या फिर किसी और देश के प्रधानमंत्री के पास 3 गाय है, और 3 गाय एक कंपनी के मालिक के पास है, तब हम उसे अमीर इसलिए मानेंगे क्योंकि अरे वो तो इतना अमीर है कि उसके पास गाय है। पर आप इंटरनेट पर सर्च करिए, काफ़ी सारे रिसर्च पिछले समय में हुए हैं, गौमूत्र के कई सारे पेटेंट्स कई सारे देशों ने ले ली है, तो ये बहुत ही अच्छी असर करती है और आपकी इम्यूनिटी इतनी बढ़ेगी कि आप निपा वायरस को छोड़ दीजिए और भी कोई वायरस आपके शरीर पर असर नहीं करेगा। निपा वायरस और इम्यूनिटी के बारे में एक और अच्छा वीडियो भी हम बनाने वाले हैं, ये जल्दी जल्दी में हमने कुछ वीडियोस बना दिए जिससे काफ़ी सारे जो लोगों के प्रश्न थे वो सॉल्व हो सके। तो थैंक यू वेरी मच हम सब के साथ जुड़ने के लिए, और याद रखिए स्वास्थ्य प्रेमी लोग डरते नहीं हैं, स्वास्थ्य प्रेमी लोग बीमार होने के बाद दवाई नहीं लेते, स्वास्थ्य प्रेमी लोग बीमार ही नहीं पड़ते। तो हम सब मिलकर एक प्रयास करते हैं, अपने परिवार को सुरक्षित करें, गौशाला के विजिट करें, गौमूत्र का सेवन करें, हल्दी का सेवन करिए, गिलोय का सेवन करिए, पारिजात का सेवन करिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू वेरी मच हम सब हमारे साथ वापस जुड़ने के लिए, धन्यवाद।